अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब्सक्राइबर्स एकदम से बूस्ट करें ये, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी आप बग़ैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, बग़ैर सब्सक्राइब किए वीडियो को ना देखिए। अभी मैं छत पे हूँ अपने बकरों के साथ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ये देखो स्विच बंद है और दोनों पंखे चल रहे हैं, वो भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आज जो है वो हवा होगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और हवा जो है वो कुछ मौसम को बेहतर करेगी। बकरे हमारे अभी सारे सो रहे, ओड़े फड्डा हो गया, बकरे हमारे अभी सारे जो हैं वो सो रहे हैं, सुबह नहीं हुई है इनकी। आज मौसम भी अच्छा है इसीलिए और ये चिल हुए हैं। चारा ऊपर आ गया हमारा, अभी इनको चारा डलेगा। और इनको तो देखो फीड कितनी रह गई है, 1 किलो होगी, कितने दिन की होगी हैं? अबे बहुत है अभी, 2 दिन की कैसे होगी, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी है। चलो भाई 2 दिन बाद इनको नीचे छोड़ेंगे। बेटा नीचे जाने का टाइम आ गया तुम लोगों का। चलो भाई कामरान भाई ने पंखे चला दिए, ये वाला चल गया है, वो वाला चलने वाला है, उसके बाद इनको खाना डलेगा। बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सही हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी देखो कल 4 बजे का खाना खाया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आए हुए हैं, अच्छी सेहत पकड़ी है इन्होंने। यार ये देसी बकरे होते हैं चराई वाले सारे, तो इनको थोड़ा सा भी अच्छा खाना दे दो ना तो ये सही हो जाते हैं। वो भी नीचे गाय को भी बुखार हो गया है, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा इसको नज़ला हो रहा था, इसको हम ना ब्रूफेन दे रहे थे, अभी ऐसा भिखारी हो गया ये फौरन, ये वाला बकरा अगर ये इंजेक्शन देखता है ना तो भागता हुआ आ जाता है। और देखो खाना डलना शुरू हुआ है, सारे बकरे भाग के वहाँ जा रहे हैं। ये देखो ये आ गया, इसको लग रहा है अभी इसको ब्रूफेन पिलाएंगे। ये जाओ भाई खाना खाओ यार, जाओ यार। ये पूरे हैं, हाँ जाएंगे कहाँ यहाँ से, जगह खुली खुली लग रही है। अच्छा जंतर का वेट कर रहे हैं हैं, जंतर डालो। देखो कामरान भाई क्या बता रहे हैं, काला वाला बकरा जो है ना टक्कर मारता है जंतर मांगने के लिए कि जंतर डालो। जगह बहुत गंदी हो रही है यार, आज ना खड़े होके सफाई कराऊंगा मैं। कल मुझे लग रहा है जो फारूक भाई सफाई करते हैं ना, उन्होंने थोड़ी डंडी मार ली है, कल गर्मी थी उन्होंने का टुल्ला मार लेते हैं। ये देखो ये भी नहीं खा रहा, शक्ल देख रहा है आपकी, वो पीछे एक बकरा खड़ा हुआ शक्ल देख रहा है खाली। हाँ वो दोनों खड़े हुए हैं, ये अजरक वाला खड़ा हुआ है। ये देखो ये आ गया, ये आ गया आगे, सारे सिवाय इन 3 के ना सारे बकरे जो हैं वो जंतर का इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा जाओ जंतर डल गई, वो देखो जंतर डल रही है, जाओ। ये देखो क्या हो गया, कामरान भाई के साथ पूरा लश्कर, और उसके सर से गिरा है कामरान जी, बहुत सारी नीचे गिर जाएगी। अबे गिर गई गिर गई गिर गई, पूरा हार पहना दिया आपने उसे जंतर का, क्या हुआ? ये देखो एक ही कुंडी पे आ गए सारे, कामरान भाई फंस गए, निकल ही नहीं पा रहे। चलो भाई ये बहुत स्मार्ट बकरा है यार, इसको पूरी अकल है हर चीज़ की। ये मिल गई इनको सबको जंतर, सब अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं, सब खा रहे हैं। इस वाले को कल थोड़े से मोशन हो रहे थे यार, कल मैंने अब्दुल हादी वाला व्लॉग डाल दिया था इसलिए मैंने व्लॉग बनाया नहीं था। इसको थोड़े से मोशन हो रहे थे, वो गर्मी के मोशन थे, अभी हमने चेक किया सही हो गए। ब्रूफेन और फ्लैजल मिला के पिला दी थी। खाना पीना खा रहा हो ना जानवर फिर कोई बीमारी हो टेंशन नहीं होती, जब इसको नज़ला हुआ था तब भी यही था कि खाना पीना ये सही से खा रहा था,
तो इतना कोई मसला था नहीं। यार ये जाल के अंदर ना मैंने पहली दफ़ा रखे हैं चूज़े, तो मुझे बड़ा पसंद आया सिस्टम। जाल हम खाली रखते थे धूप लगाने के लिए या कोई लड़ाका मुर्गा हो तो उसको अलग करने के लिए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है यार, ये जगह अब गंदी हो गई ना यहाँ दो दिन की, तो अब यहाँ कर दिया साफ़ जगह पर और इस जगह की सफ़ाई हो जाएगी, इस पर धूप वूप लग जाएगी तो कोई टेंशन नहीं होगी। और चूज़े माशाल्लाह आपके सामने है भाई, इनको बस कामरान भाई दो दिन की कह रहे हैं कि फीड बची है, मुझे तीन दिन की लग रही है, मतलब एक दो दिन में इनको नीचे उतार देंगे, अब फिर इनकी फीड बंद हो जाएगी और ये ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे, खुद ही घूमेंगे फिरेंगे, खुद ही खाएंगे पियेंगे। ये बकरों ने एक कुंडी की जंतर ख़त्म कर दिया, दूसरी कुंडी की जंतर में से पत्ते ख़त्म कर दिए, अब डंडियाँ रह गई हैं। और जो होशियार बकरे हैं वो झुक के अब जो गिरी हुई जंतर में है ना पत्ते वो खा रहे हैं। पहले ये जंतर सफ़ा चट करेंगे, फिर ये पानी पियेंगे, उसके बाद जो है वो देखो एक चला गया पानी पीने के लिए, फिर ये ड्राई लूसन खाएंगे। तो इनका सही चल रहा है सिस्टम अभी। हाँ एक बात, अब देखो ये इतनी गंदी ज़मीन पे पता कैसे चला कि कौन सा बकरा मोशन कर रहा है। मैं दोनों टाइम ना आधा घंटा खासकर बकरों पे, गायों की इतनी टेंशन नहीं होती, खड़ा रहता हूँ सर पे। तो आप देखो वो सामने दीवार पे ना मुझे धब्बा दिखा मोशन का, फिर हमने नज़र मारना शुरू की कि किस बकरे को हो रहे हैं, तो वो ब्राउन और वाइट वाले को हो रहे थे, तो फौरन उसको दवा पिला दी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़े हार्ड हो गए, आज ये वाला खाना खा ले एक दफ़ा और, मतलब सुबह शाम और चल जाएगी ना। 5 cc ब्रूफेन, 5 cc फ्लैजल अलग अलग, पहले ब्रूफेन पिला दें फिर फ्लैजल पिला दें, या पहले फ्लैजल पिला दें फिर ब्रूफेन पिला दें, तो इनका पूरा सही हो जाता है सिस्टम। इसको हुए थे इसको। चलो भाई अब नीचे चलते हैं, चलो भाई अब नीचे चलते हैं, देखते हैं गायों में, जयकांत में और नीचे वाले बकरों में क्या चल रहा है। यार इनका भी दाना ख़त्म हो गया है, मतलब मेरे पास नहीं ख़त्म हुआ, इनके डब्बे में ख़त्म हो गया है। इनको आखिर में देते हैं, दाना भी देते हैं, जंतर भी खिलाते हैं, बेचारे इग्नोर हो रहे हैं। और इनको देखो भाई, अभी तक आप लोगों ने नाम सजेस्ट नहीं किए, इनके कोई अच्छे से नाम सजेस्ट करें, मैं FSA वाली वीडियो पर भी देखूँगा, कॉमेंट्स तो आए हुए थे, फाइनलाइज नहीं किया। इनको देखो, इनको इसीलिए तो मोशन होते हैं, ये ऐसे खुला खाना चलता रहता है। और हाँ, मास्टर कैटल फार्म है एक वकास भाई का, वकास सलीम भाई का, उनके पास एक नाइजेरियन ट्राफ खड़ा हुआ है यार, दो बालिश का है वो भी। कल मैंने पूछा था कितने इंच का है, तो उन मास्टर कैटल फार्म के पेज पे जाओ तो वीडियो लगी हुई है, उन्होंने कहा यार वैसे नहीं नापा लेकिन 2 इंच का है। फिर मैंने इनकी वीडियो भेजी तो वो कहने लगे हाँ इसके आसपास का होगा। अच्छा ये वीडियो में ना फिर भी बड़े लगते हैं, देखो ना जंतर की ढेरी से भी छोटे हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका कोई नाम सजेस्ट करें भाई जल्दी से, तो फिर इनका नाम रखते हैं हम। वो आज ये अंदर नहीं है भाई, खैर ये फाइनली पता चल गया है कि ये गब्बर नहीं है, बसंती ही है, ये मादी है। तो अच्छा आज ये इसलिए अंदर है कि अभी तक बंद है सब। ये भी आज मुझे सुस्त लग रही थी कुछ, नहीं ये सही है। क्या हो गया, खाना नहीं मिला तुम्हें अभी, हैं सुल्ताना? पानी पीना है इसको, पानी रुको अभी डलेगा डलेगा, पानी डलेगा। जयकांत जयकांत, हेलो, क्यों हिल रही है तुम, इतनी बाहर थोड़ी निकाल रहे हैं तुम्हें बावले, और ये मिट्टी सारी बाहर कैसे गिराई है तुमने भाई, क्या किया भाई इतना गंदा, पागल हो भाई। नीचे हमारे बकरे बाहर आ चुके हैं, ये दोनों कुर्बानी वाले, ये सुल्ताना मलका, वो सुल्तान बाहर आ गया आवाज़ें मार रहा है। तो अभी नीचे की इनकी जगह की सफाई करवाते हैं जल्दी जल्दी, आज यार ये मिट्टी भी हटवानी है, ये मिट्टी उठा के उधर डलवा देंगे अभी बराबर वाले पक्के पर, साफ़ मिट्टी है, 1.5 साल से चला रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों रखी थी मैंने, ये कुंडी में डलवा दी थी पहले, फिर कुंडी से निकलवा के बारिशें हो गई गीली हो गई थी, नीचे डलवाई सुखवाई, फिर ये यहाँ जमा हो गई। अब बिछा में इसलिए नहीं रहा यार, कीचड़ बहुत हो जाता है, बिछा दो ना तो
एंड के दिनों में संभालना मुश्किल होता है, बारिश हो जाए तो बहुत ही अजाब हो जाता है, तो इसीलिए फ़र्श वाला सिस्टम सही है। बेलचे वेलचे से झाड़ू से साफ़ हो जाता है, हाथ के हाथ दो टाइम कर दो तो काफ़ी रहता है। वो सुल्तान को अकेला बांध दिया, वो शोर मचाया जा रहा है, ये दोनों भी बाहर आने लगे हैं, पहले बाहर ही नहीं आते थे, देखो ये आए हुए। हाँ भाई सलाम सुलेमान, तुम अपने बछड़े को देख लो। ओहो वाइट आँखों वाला बछड़ा है ये, सिर्फ वाइट बल्कि नहीं है आँखें भी वाइट हैं इसकी। चलो भाई इसके और 5,000 रुपये बढ़ गए। ये देखा है आपने, इसकी आँखें भी सफ़ेद हैं अंदर से, पुतलियाँ देखो इसकी। हाँ भाई ओए कहाँ आए हो, इसको देखो, छोटा सा गड्ढा टूटा हुआ था, ये यहाँ बनने लगी है, खोद खोद के पूरा बड़ा गड्ढा कर दिया इसने, पागल औरत ने। ये क्या कर रहे हैं ये? अच्छा मलका ना इनको बच्चा समझ के इनके साथ खेलने की कोशिश करती है, मसला ये है ये बच्चे तो है नहीं, उम्र में पूरे हैं, ये देखो इनकी हरकतें देखो। तो फिर ये उसको लिफ्ट नहीं कराते, फिर ये बेचारी परेशान हो के आ जाती है। अब ये तो छोटी बच्ची है ना यार, उनको देखो, कल ये दोनों इससे लड़ रहे तो चलो चल गए, ये परेशान हो रही थी ये मैं क्या करूँ, इनका मारूँ माफ़ कर दूँ, कह रही थी अबे बोनो अडो। यार कितनी भी गर्मी हो मैं नोट करता हूँ, ये दोनों शुरू से जब से आए इनका धूप लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये दोनों जो है ना ऐसे धूप में बैठ जाते हैं, ये जैसे ये वाला बैठा हुआ है ना, और ये धूप ज़रूर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके जानवर को धूप लेने की आदत हो ना। आज तो खैर मौसम अच्छा है, आज हवा चल रही है, मगर ये धूप लेने वाले जानवर ना कम से कम बीमार होते हैं, ख़ासकर ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं ना, नज़ला ज़ुकाम, इनसे लाजमी बचे रहते हैं। कोशिश किया करेंगे धूप के वक्त अपने जानवरों को छोड़ें। अब ये जाहिल लोग हैं दोनों, ये नहीं लेते तो इनको ज़बरदस्ती बांधना पड़ता है, ये बड़ी अच्छी आदत है इन दोनों की। सुल्तान भी जो है ना हमारा, वो भी ज़रूर धूप लेता है, खैर वो बनता भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 1-1.5 घंटा सुबह की धूप लाजमी आती है। ओह हेलो पोज दे रहे हो हैं, हेलो भाई सुलेमान देख लो, तुम्हारे बछड़े को हम खाना दे रहे हैं, चराई के पैसे मिलने चाहिए हमें, मैं बता रहा हूँ बहुत महंगा हो गया खा चारा। व्लॉग में दिखा के देना, कैमरे के आगे पैसे देना भाई, ये बहुत चारा खाता है, इसकी सेहत पे नहीं जाओ, ये माशाल्लाह इसको जितना दे दो खाता रहता है लेकिन इसको लगता नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। यार ये लाल वाली बुखार, गाय को बुखार हो गया था, कल इसको इंजेक्शन वगैरह लगे हैं डॉक्टर ने दिए, तो अब देखो थोड़ा मुँह तो मार रही है, दोनों सूंघ रही हैं अभी, इन्होंने खाना नहीं शुरू किया। खाने में ना ये अच्छी हैं माशाल्लाह, ये दो, ये थोड़ी ढीली है, लेकिन इसको कल चेक करवाया डॉक्टर से, बुखार बुखार कोई मसला नहीं था, बस नखरे कर रही है खाने में। बाकी हमारी जो पुरानी वाली गायें थी वो तो मस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई टेंशन ही नहीं है उनकी। भाई ये देखें अम्मार हुसैन आए हैं हमारे पास, अम्मार हुसैन नहीं है ये, सॉरी सॉरी, ये अम्मार देशमुख हैं भाई, सॉरी सॉरी, ये इनके कज़न है उसामा, ये भी आए हैं। हमारे भाई आपके जानवर का क्या हुआ? यहाँ देख के बोलो ना यार, जानवर इंशाल्लाह लाएंगे लाएंगे। क्या रेंज है आपकी? रेंज भाई ऐसी ही है कुछ। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप जानवर? हाँ हम तो फार्म पे ही, अब्दुल्ला भाई के। क्या नाम है उनके फार्म का? अब्दुल्ला कैटल। तो मिला आपको कोई जानवर? हाँ इंशाल्लाह देखे हुए 2-3, बस जाना है। 2.5 लाख में 2-3 जानवर दे रहे हैं, मुझे भी दिला दो यार। मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे 2.5 लाख में 2-3 मिल जाएंगे। 2.5 लाख में हाँ दुम्बे मिल जाएंगे, 2-3 दुम्बे हैं उनके पास, आप वीडियो भेजें हमें। चलो भाई इसी के साथ आपने हमें इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, एनिमल और कैटल लवर्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।